हाय दोस्तों, मोटोरोला का नया फ़ोन मोटोरोला एज एस प्रो को जो है चीन में लॉन्च कर दिया है। ये काफ़ी पतला और लाइटवेट स्मार्टफोन है और मोटोरोला का दावा है कि ये सबसे पतला फ्लैगशिप फ़ोन है। इसमें जो है काफ़ी प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अगर हम कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 27,500 रुपये है, जिसमें 6 GB और 128 GB का जो है वेरियंट मिलता है। उसकी जो है मॉडल टॉप मॉडल का वेरियंट जो कीमत है वो लगभग 37,000 रुपीज़ है, जिसमें जो है 12 GB की रैम और 256 GB का जो है इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मोटोरोला एज एस प्रो स्मार्टफोन में 6.7 इंच की 10-bit OLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है और टच सैम्पलिंग रेट जो है वो 576Hz है। इसमें डुअल पंच होल LCD पैनल आएगा, साथ में HDR10+ का जो है सपोर्ट है। स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट दिया गया है और फ़ोन में 12 GB तक की जो है LDDR5 रैम दी गई है और 256 GB तक का जो है स्टोरेज विकल्प आपके लिए मौजूद है। इसमें जो है रियर पैनल पर 108 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा 8 MP का लेंस, 16 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है। साथ ही में एक माइक्रो कैमरा भी दिया गया है, यानी कि क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 32 MP का कैमरा दिया गया है और पावर बैकअप के लिए 4520mAh की बैटरी दी गई है, जिसे जो है 30W के टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग के साथ में सपोर्ट दिया गया है। इसमें MIUI 2.0 पर ये काम करेगा। तो फिलहाल ये जो फ़ोन है चाइना में उपलब्ध है, भारत में कब लॉन्च होगा इसकी अभी तक जानकारी नहीं आई है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।